Okay, so we are starting with binomial distribution. So distribution, you know, in with respect to probability, if you remember, हमने दो टाइप के वेरिएबल्स देखे थे प्रोबेबिलिटी में, अगर आपको याद होगा तो. एक हमने देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल और एक हमने देखा था कंटिन्यूस वेरिएबल. ठीक है, तो बाइनोमियल या जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास, या जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस वी आर अबाउट टू स्टडी, करेक्ट, वो या तो डिस्क्रीट रहेंगे या तो कंटिन्यूस रहेंगे. आइदर द डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी डिस्क्रीट और द डिस्ट्रीब्यूशन आर गोइंग टू बी कंटिन्यूस. करेक्ट, तो कंटिन्यूस में हम लोग एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और डिस्क्रीट में वी आर अबाउट टू स्टडी टू, वन इज बाइनोमियल, एक बाइनोमियल सीखने वाले हैं, और जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम सीखेंगे दैट विल बी नथिंग बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट, सो इट इज पॉइसन, इट इज नॉट पॉइजन. करेक्ट, सो काफी लोग नो स्पेल इट एज सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज नॉट पॉइजन, इट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द अदर एज आई टोल्ड बाइनोमियल. ये दोनों ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और हमने कुछ चीज़ें सीखी भी हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जैसे कि जब भी बात डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो हमने पीएमएफ के बारे में पढ़ा था. एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएफ? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए पीएमएफ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, याद है इसका समेशन जो है वो हमेशा क्या होता था? करेक्ट, टोटल समेशन क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, टोटल समेशन जो है वो वन होना चाहिए. एक और चीज, इंडिविजुअल वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यस और नो? इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. अभी बात ये आती है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किधर किया जाए. तो बहुत पहले देयर वॉज एन अंकल हु स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट एंड हिज नेम वॉज सर जेकॉब. करेक्ट, देयर वॉज एन अंकल, करेक्ट, जेकॉब अंकल, और वी से दैट सर जेकॉब बर्नौलीस, सर जेकॉब बर्नौली. करेक्ट, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको एक फर्म फाउंडेशन दिया यूजिंग द एक्सपेरिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज जेकॉब बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट. जेबी एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं जेकॉब बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट. कहा जाता था जेकॉब बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट था, अगर गिवन एनी एक्सपेरिमेंट, गिवन एनी एक्सपेरिमेंट, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, गिवन एनी एक्सपेरिमेंट, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. मैं लिख देता हूं, गिवन एनी एक्सपेरिमेंट, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट दैट एक्सपेरिमेंट इनटू टू पॉसिबल आउटकम्स, इनटू ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, करेक्ट, तो फिर आप बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं. तो फिर आप बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं. अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी. करेक्ट, जैसे कि अथर्व सोच रहा होगा, सर बात आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने तो सर बहुत टाइप के एक्सपेरिमेंट देखे हैं, सर ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिनमें इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं, सर ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिनमें
इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी होते हैं सर, ऐसे भी देखे हैं जहां पर डिपेंडेंट होते हैं या जहां पर इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट अथर्व? अथर्व क्या आपने ये सब वर्ड्स देखे थे प्रोबेबिलिटी में? करेक्ट। अब यहां पर जो चीजें आएंगी अथर्व, याद रखना हर एक चीज जो भी आप ट्रायल करने वाले हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी फॉर श्योर एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। एनी बडी हु कैन टेल मी वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ एक्सक्लूसिव? अगर मैं कहता हूं देर आर टू एक्सपेरिमेंट्स ए एंड बी विच आर एक्सक्लूसिव, तो उसका मीनिंग क्या होता था? एनीवन, इफ टू एक्सपेरिमेंट्स ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, उसका मीनिंग क्या होता था? करेक्ट। सो दैट वॉज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो जेकॉब बर्नौली जो आपको कहते हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ इसे दो पॉसिबल आउटकम्स में कन्वर्ट कीजिए, तो वो कहते हैं कि वो जो दो आउटकम्स होंगे दैट विल बी आइदर सक्सेस और इट विल बी फेलियर। सक्सेस मतलब करेक्ट, सक्सेस या तो फेलियर। सक्सेस को हम डिनोट करते थे एज पी, स्मॉल पी, फेलियर को हम डिनोट करते हैं एज क्यू। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, भाई कॉइन टॉस किया और आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो हेड के लिए है, तो अगर हेड आया तो सक्सेस, अगर हेड नहीं आया तो क्या हो जाएगा? इफ एक्सपेरिमेंट इज फॉर कंडक्टिंग हेड, अगर हेड आया तो सक्सेस, हेड नहीं आया तो इट इज ए फेलियर। तो इसको हम कहते हैं सक्सेस फेलियर एक्सक्लूसिव। और फिर आपको दिया था सक्सेस प्लस फेलियर विल बी टोटल इक्वल टू वन, सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू वन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारा एक बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामेट्रिक, एन कॉमा पी दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, जहां पर एन का मतलब होता है द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये जो ट्रायल्स होते हैं जैसे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ठीक वैसे ही, और पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, वेन एवर आई एम डीलिंग विथ ट्रायल्स, याद रखना ये ट्रायल्स हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि हमारी क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। करेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि एक कॉइन टॉस करने पर जो आया वही सेम चीज दूसरी बार आएगी भी के नहीं। करेक्ट, तो प्लीज इस चीज को याद रखना, दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। करेक्ट, अभी सिंस इट इज ए डिस्क्रीट एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो भी आपके ट्रायल्स रहेंगे करेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेंगे। दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी दी पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट, एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट, आई विल से दे आर फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते कहां तक? एन तक। लेकिन डिस्क्रीट डोमेन आपको याद होगा कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। करेक्ट, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। कुछ याद आ रहा है, ये हमने कॉम्बिनेशंस के टाइम पे किया था। इफ यू रिमेम्बर हम लोग ए प्लस बी रेस टू फोर, याद है कैसे निकालते थे?
इधर आ जाएगा 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, फिर एक का पावर मैक्सिमम से चालू होगा और दूसरा क्या होगा, जीरो। तो इसके साथ क्या आता था, a रेज टू 4 b टू दी पावर 0, फिर a का पावर 1 से घट जाएगा, b का पावर 1 से बढ़ जाएगा, फिर a का पावर घट जाएगा, b का पावर बढ़ जाएगा, फिर a का पावर घट जाएगा, फिर b का पावर बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते a का पावर 0, b का पावर 4। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस, यस और नो? कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था कॉम्बिनेशंस में? यस राइट। सो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसीलिए आपका कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई वांदा नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा वेन एवर देयर विल बी ए नीड, ओके? बट दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्क्रीट, एंड डिस्क्रीट डोमेन स्टार्ट्स फ्रॉम x equal to 0, 1, 2, 3 and so on, कहां तक, n तक। तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, करेक्ट, उस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। इट इज ए बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पता होने चाहिए और सक्सेस। क्या मैं कह सकता हूं अगर मुझे P पता है तो मैं Q खुद ब खुद निकाल सकता हूं? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर मुझे P पता है तो क्या मैं Q निकाल सकता हूं? कैसे? P प्लस Q इज 1, तो यहां से मुझे Q कितना मिल जाएगा, 1 माइनस P। नॉन मैक स्टूडेंट्स एनी डाउट्स टू यू ऑल? नॉन मैक स्टूडेंट्स एनी डाउट्स टू एनी वन? ओके, देन लेट्स मूव अहेड। फ्यू मोर पैरामीटर्स। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज एन इंटू पी, वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज एन इंटू पी इंटू क्यू, करेक्ट? और हमेशा याद रखना, हमेशा, करेक्ट, मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेरियंस। दिस इज ए रिलेशन, मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेरियंस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, मीन गिवन एज एन पी, वेरियंस एज एन पी क्यू, एंड मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस। अभी एक और चीज, अगर वेरियंस जो है वो n इंटू पी इंटू क्यू है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वेरियंस n इंटू पी इंटू क्यू है? वेरी गुड, करण इज करेक्ट। अदर्स? नो सुमित, नो अपारस, करेक्ट। दिशा? नो आंचल, करेक्ट। रविराज, करेक्ट। Nowadays non-max students are giving more correct answers, huh? Nope. Variance मतलब square, योगिता। तो standard deviation क्या होगा? Root of variance ना? आप वैसे, आपको standard deviation दिया जाता और आप variance निकालते थे। यहाँ पर variance दिया है, आप standard deviation निकाल रहे हैं। Correct? Now correct. Correct. One more point. Correct. आपका वेरियंस कभी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा? यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस, करेक्ट, जो कि निकाला जाता है बाय द फॉर्मूला एन बाय 4, नंबर ऑफ ट्रायल्स बाय 4। लेकिन व्हेन योर पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5, यानी कि पी इज इक्वल टू क्यू, मतलब सक्सेस इज इक्वल टू फेलियर। एवरीबडी एग्रीस? पी इक्वल टू क्यू का मतलब क्या होगा? पी इक्वल टू क्यू का मतलब सक्सेस इज इक्वल टू फेलियर, करेक्ट? सो दैट इज नथिंग बट विच दे हैव गिवन यू।
करेक्ट टिल दिस, यस 50-50 बिल्कुल आप कह सकते हैं। और जब ऐसा होगा, क्या मैं कह सकता हूं, इट विल बी ए सिमेट्रिक ग्राफ। हमने कितने टाइप की चीजें देखी है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब मीन मीडियन मोड तीनों ही कोइंसाइड होते हैं। असिमेट्रिक मतलब हमने दो चीजें देखी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस। या तो टेल जो है राइट साइड की तरफ बढ़ेगा, या तो टेल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। करेक्ट, तो जिसके बाजू पॉइंट्स ज्यादा रहेंगे उसके बेसिस पर हम स्क्यूनेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? करेक्ट, देयर इज अ लास्ट प्रॉपर्टी विच यू कॉल इट एज दी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्स मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है बाइनोमियल का, जिसके पैरामीटर्स हैं n1, p, करेक्ट, और वाई एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका पैरामीटर जो है दैट इज से n2, p। दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हाँ, देर आर टू डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन टू यू। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर सकते हो। करेक्ट, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, n1 + n2, p। क्योंकि व्हेन आई एम डीलिंग विद दी प्रोबेबिलिटी, सो लेट्स कंटिन्यू विद फ्यू ऑफ दी बेसिक सम्स। सम नंबर वन, ऑल दी क्वेश्चंस आर ऑन दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोला है आपको n is equal to 4, p 1/3 पूछा है, वेरियंस क्या होगा। करेक्ट, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। एवरीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस? फॉर्मूला ऑफ वेरियंस इज n × p × q। एन और पी तो है, मेरे पास क्यू नहीं है, मैं कैसे निकालूं? हाउ आई शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू? आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ क्यू। करेक्ट, सो हम कहेंगे सर p + q = 1। सो यहां से हमें क्यू मिल जाएगा 1 - p, दैट इज 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3। सो नाउ आई कैन फाइंड इट, वेरियंस इज 4, पी इज 1/3, क्यू इज 2/3। सो व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ वेरियंस? 8/9। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल? ओके, लेट अस गो अहेड फॉर अनदर वन। आपको मीन दिया गया है 2। करेक्ट, मीन गिवन टू यू इज 2। मीन 2 मतलब मीन इज n × p, आपको दिया गया है 2। वेरियंस दिया है 1.2, यानी कि n × p × q इज गिवन टू यू इज 1.2। आपको n फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। व्हाट आई कैन डू इज, एनीवन हु हैज एनी आइडिया, कैसे फाइंड करेंगे हम n? दो इक्वेशंस है मेरे पास, कैन आई गो एट फॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, np³/np विल बी इक्वल टू 1.2/2। यहां से मुझे q क्या मिलेगा, 12/20, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट इज 12/20? व्हाट विल बी 12/20? 3/5। एवरीबडी एग्रीस? क्या मैं उसे 3/5 लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट एज 3/5?
करेक्ट. सो क्यू इज 3/5. अगर क्यू 3/5 है तो पी क्या हो जाएगा? पी विल बी 2/5. पी पता है, क्यू पता है और मुझे मीन मालूम है. मीन इज वॉट? एन इंटू पी इक्वल टू 2. यस और नो? मीन इज वॉट? एन इंटू पी इक्वल टू 2. पी मुझे मिल गया 2.5. एन इंटू 2.5 इक्वल टू 2. वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? इज इट गोइंग टू बी 5? Is it going to be 5? Okay. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Next. Mean दिया गया है 5. Mean दिया गया है 5. मतलब n into p is equal to 5. Standard deviation दिया गया है 3. स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मतलब रूट ऑफ एन पी क्यू इज इक्वल टू 3. मतलब एन पी क्यू इज इक्वल टू 9. करेक्ट. यू नीड टू सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. कैसे फाइंड करेंगे? हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन? सिमिलर मैनर, एन पी क्यू अपॉन NP is equal to 9/5. तो यहां से आपको Q मिल गया 9/5. What will be the value of P? Everyone. What will be the value of P? P का value क्या होगा? 1 - 9/5. बाप रे करण, थोड़ा ध्यान से. वन माइनस 9/5 माइनस 4/5. यस और नो? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. दे हैव गिवन टोल्ड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर. आपको सिर्फ क्यू का वैल्यू फाइंड करना है. There isn't any need for the same. Correct. अभी क्यों ऐसा, मैं वो भी बताता हूँ. Correct. अगर mean 5 है और standard deviation 3 है, give me the answer. Is your mean greater than variance? Is your mean greater than variance? क्या आपका mean greater than variance है क्या? No, right? और जब ऐसा है, आपका मीन इज नॉट ग्रेटर देन वेरिएंस, इसका मतलब आपके डेटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है. इसीलिए देखो आपको प्रोबेबिलिटी पी क्या मिल रहा था? -4/5. डिड यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? करेक्ट. इसको आप क्या कहते हैं? करेक्ट. देयर इज सम काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा. करेक्ट. There is some kind of inconsistency in the data. Everybody understood how I derived this particular conclusion? Q मुझे मिला है 9/5. P अगर आपको मिल रहा था -4/5, मतलब probability negative आ गया. Correct. तो मैंने जल्दी से check किया कि क्या mean जो है वो variance से बड़ा है क्या. तो mean variance से बड़ा नहीं है, मतलब हमें जो data दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. तो हम कह सकते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन दी डेटा. नॉन मैक स्टूडेंट्स एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके. Now this is quite an interesting question. एक ही question से आपको तीनों चीजें बोली है find करने के लिए. They have told you to find all the three things. Mean दिया गया है 20. Mean is 20, मतलब n into p is 20.
स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 4, मतलब रूट ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू आपको दिया गया है 4, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा एवरीवन? व्हाट विल बी दी वेरिएंस? 16, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। हमें पी क्यू एन तीनों ही चाहिए, करेक्ट? सो आई विल से एन पी क्यू डिवाइडिंग 2/1, करेक्ट? एन पी क्यू विल बी इक्वल टू 16/20। यहाँ से मुझे क्यू मिल जाएगा और क्यू मुझे कितना मिलेगा? 4/5। क्यू मिल गया तो अब मुझे पी कैसे मिलेगा? हाउ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पी? दैट विल बी 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 4/5, दैट इज गोइंग टू बी 1/5। तो मुझे पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। अब मैं एन कैसे निकालूं? आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम इक्वेशन 1, करेक्ट? एन इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20। सो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? एवरी वन, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 100। इट इज गोइंग टू बी 100। ओके, एनी डाउट्स टू एनी वन इन दिस एग्जाम्पल? Any doubts to anyone in this example? Okay, next आपको दिया है mean, दिया है आपको variance, दिया है you have been told to find the value of p, you have been told to find the value of p. So mean दिया गया है 2, mean given to us is 2, n into p equal to 2. वेरियंस दिया गया है एन पी क्यू इज इक्वल टू 1.6। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, नो इश्यूज। एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू 1.6/2। तो यहाँ से हमें क्यू कितना मिल जाएगा? क्यू विल बी 16/20, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 4/5। अगर q 4/5 है, what I will get the value of p? 1 minus 4/5, that is 1/5. Any doubts to anyone in this example? Anyone having any doubts in this example? Okay, similarly, you can go ahead for the next question. Mean is given, variance is given. Mean क्या दिया हुआ है आपको? Mean n into p is equal to 9. Variance n into p into q is equal to 2.25. Q का value ढूंढना है. So np q upon np is equal to 2.25 divided by 9. इधर 9 है बेटा, करेक्ट? सो वॉट आई विल गेट फ्रॉम हेयर क्यू एस? क्यू इज इक्वल टू 225/ हाउ मच? 20 आ जाएंगे. कैन यू प्लीज टेल मी वॉट विल बी द आंसर? What will be the answer? 0.25. Everybody agrees? Anybody having any doubts? So can I say 0.25? या तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1/4. Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Non-MAC students, any doubts? Okay. Next example, mean दिया है और standard deviation दिया है.
आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, मतलब एन. मीन दिया है एन इंटू पी इक्वल टू थ्री. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5. रूट ऑफ एन पी क्यू इज इक्वल टू 1.5. सो व्हाट विल बी एन इंटू पी इंटू क्यू? 1.5 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? 2.25. इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एन बोला है फाइंड करने, करेक्ट. तो एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी, दैट इज 2.25 डिवाइडेड बाय 3, 225 बाय 300. 225 बाय 300 कितना आ जाएगा आंसर? 0.75? यस और नो? यस और नो? करेक्ट. तो एक बार आपको Q का वैल्यू मिल गया 0.75, तो P का वैल्यू हो जाएगा 0.25. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ N? N का वैल्यू डायरेक्टली आप बता सकते हैं, इट विल बी N इक्वल टू 12. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस एग्जाम्पल? Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? Non-MAC students, any doubts to you all? Non-MAC students, any doubts? Okay. हमें इस example में दिया है, last example. अगर n 16 है, then what will be the greatest value of variance? तो हमने क्या सीखा है? Where you get the greatest value of variance? At the value n by 4. Correct. So the greatest value of the variance, the greatest value of the variance is n by 4. ये आपको याद रखना है बैकग्राउंड में. ये तभी ही होगा व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5. तो एन बाय 4 यानी कि 16/4 यानी कि आंसर क्या आएगा? 4. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज एग्जांपल्स? सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑन दी एडिटिव प्रॉपर्टी. सो मोहित ध्यान देना, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 6, 1/2. फिर अनदर वाई इज ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 4, 1/2. ठीक है, हमें बोला है what will be the probability of x plus y greater than or equal to 1. मोहित यहां तक कोई दिक्कत? मोहित any doubts? मोहित okay. अभी हमें x plus y ढूंढना है मोहित. और हमने क्या सीखा है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी में मोहित? व्हाट वी हैव स्टडीड, एक्स और वाई अगर दिया है तो एक्स प्लस वाई क्या आएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन वन प्लस एन टू कॉमा पी, यानी कि एन वन प्लस एन टू यानी कि 6 + 4, p, यानी कि मोहित दिस इज गोइंग टू बी 10, 1/2. ठीक है, till here anybody having any doubts? Mohit kuch doubts? Mohit any doubts? Mohit abhi Mohit hame bola x plus y greater than equal to 1, correct.
अभी मोहित, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेक्ट, तो याद है हम इसको प्रोबेबिलिटी में करने जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 0 से लेकर 10 तक। उससे बेटर क्या है, टोटल में से माइनस कर दूं, कब कब ये 0 से सॉरी 1 बोला है ना, कब कब ये 1 से कम है। डू यू एग्री विद दिस मोहित एवरीवन, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, टोटल में से माइनस कर दूंगा लेस देन 1 करेक्ट। तो लेस देन 1 डिस्क्रीट वेरिएबल है, मतलब व्हेन आई हैव एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 करेक्ट, इसका मतलब 1 माइनस एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमें मोहित, 0। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मोहित? मोहित ये समझा मोहित? तो एक्स की वैल्यू 0, तो 1 माइनस दिस विल बी 10 C 0 पी टू दी पावर 0 क्यू टू दी पावर 10 माइनस 0, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस विल बी 1 माइनस 10 C 0, तो 1 आएगा। कोई भी पी का वैल्यू रहने दो, यहाँ पर तो पी का वैल्यू 1/2 है करेक्ट, तो 1/2 रेस टू 0। अगर मोहित पी का वैल्यू 1/2 है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? मोहित पी का वैल्यू 1/2 है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1/2। सो दिस विल बी 1/2 टू दी पावर 10, सो दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 10, 1 माइनस 1 अपॉन 1024, दैट इज 1023 डिवाइडेड बाय 1024। एनी डाउट्स टू एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? मोहित एनी डाउट्स? मोहित, so since you don't have any doubts I can move ahead with the last property on binomial distribution, correct? Let's move ahead for the same. Last property says that now binomial distribution जो है वो दो parameters के ऊपर dependent है, correct? Binomial distribution is a बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन टू पैरामीटर्स, करेक्ट? एंड व्हाट आर दोस टू पैरामीटर्स, करेक्ट? दोस टू पैरामीटर्स आर एन एंड पी, करेक्ट? तो ये कहते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिमॉडल और इट कैन बी बाय मॉडल। कुछ याद आ रहा है? मोड, मोड मोड जो है उसका एक डेफिनेशन नहीं है, करेक्ट? गिवन डेटा में एक मोड भी हो सकता है, दो मोड भी हो सकते हैं, मल्टी मॉडल भी हो सकता है, इसीलिए हमने क्या कहा था, मोड इज इल डिफाइंड। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? मोड इज इल डिफाइंड हमने किया है ये, लेकिन यहां पर आपको मोड फाइंड करना है। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, करेक्ट? सो यू हैव बीन गिवन हाउ यू विल फाइंड द मोड, करेक्ट? सो मोड इज डिनोटेड एज, करेक्ट, म्यू जीरो। तो मोड को डिफाइन किया गया है 1 प्लस n इंटू पी, लेकिन इट इज बीन फर्दर डिवाइडेड। ये आप तब निकालेंगे जब आपको ये पता हो कि आपका जो आंसर है वो इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है।
अगर आपका आंसर इंटीजर है तो फिर लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर इन एन प्लस वन इंटू पी, करेक्ट, लार्जेस्ट इंटीजर इफ इट इज एन प्लस वन इंटू पी, अगर इंटीजर है तो, करेक्ट, बहुत ज्यादा ध्यान से, नेक्स्ट बिट टर्न्स आउट टू बी दैट यू विल बी आइदर गोइंग अहेड फॉर एन प्लस वन इंटू पी, करेक्ट, एंड एन प्लस वन इंटू पी माइनस वन, करेक्ट। तो इस प्रॉपर्टी में काफी लोगों को दिक्कत आती है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि लार्जेस्ट इंटीजर पे कब जाना है और ये जो वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर कब जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वैल्यू आती है वो इंटीजर आती है कि वो नॉन इंटीजर आती है, क्योंकि अगर नॉन इंटीजर आती है तो आपको एक बिट फॉलो करना है और अगर इंटीजर आती है तो आपको दूसरा बिट नो ये करना है, क्या बोलते हैं, फॉलो करना है। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, व्हेन टू फॉलो व्हाट। जब आप मोड का वैल्यू निकालेंगे, म्यू जीरो निकालेंगे, वो नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर मतलब क्या, पॉइंट में आया होगा, डू यू ऑल एग्री विद दिस। इंटीजर मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, या तो -1, -2, -3, -4, -5, या तो 0 पकड़ लो। तो नॉन इंटीजर मतलब क्या, पॉइंट में आया हुआ होना चाहिए। अगर नॉन इंटीजर है तो लार्जेस्ट इंटीजर जो भी आपको मिलेगा इन दी वैल्यू एन प्लस वन इंटू पी। लेकिन अगर आपको इंटीजर मिल गया, अगर आपको इंटीजर वैल्यू मिल गया, इफ इट इज ए इंटीजर वैल्यू देन यू नीड टू फाइंड दिस रेंज दैट इज एन प्लस वन इंटू पी एंड एन प्लस वन इंटू पी माइनस वन। तो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू। आपको बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, करेक्ट, मीन इज इक्वल टू 10, मीन इज इक्वल टू 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √5, करेक्ट। अभी ध्यान से, अभी ध्यान से, मुझे मोड निकालने के लिए एन की जरूरत है और पी की जरूरत है। डू यू ऑल एग्री विद दिस, डू यू ऑल एग्री विद दिस कि हमें मोड तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास एन हो और मेरे पास पी हो। तो मीन 10 मतलब एन इंटू पी इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन √5, रूट ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू √5, मतलब एन इंटू पी इंटू क्यू कितना मिलेगा मुझे, 5। सो एन इंटू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एन पी विल बी इक्वल टू 5/10। तो यहाँ से मुझे क्यू मिल जाएगा कितना, 1/2। अगर क्यू मेरा 1/2 है, वॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ पी, इफ क्यू इज 1/2, एवरी वन, वॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मुझे एन का वैल्यू क्या मिलेगा, इफ आई पुट इट इन द इक्वेशन 1, वॉट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एस, वैल्यू ऑफ एन क्या आएगा, 20, करेक्ट। तो हमें पी का वैल्यू मिल गया, हमें क्यू का वैल्यू भी मिल गया। अभी कैलकुलेट करते हैं, 1+n यानी कि 1+20 इंटू पी दैट इज 1/2, सो दैट इज 21/2। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज 21/2, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी 21/2। अरे बताओ 21/2 क्या आएगा, इट्स इट गोइंग टू बी 10.50। अभी 10.50 इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है, 10.50
Is it integer or is it a non-integer? Everyone. Everyone. 10.50, whether it is an integer or it is a non-integer. Correct? Non-integer. तो non-integer है तो उन्होंने क्या बोला है? Largest value in n plus 1 into p. तो 10.50 में largest integer क्या होगा? 10. Do you all agree with this? 10.50 में हमारा largest integer क्या है? 10 है ना? Yes or no? Yes or no? Everyone, ये बचपन में सीखा है आपने, अब बोलना मत सर इसमें से इंटीजर नहीं पता कैसे निकालते. करेक्ट. अब ध्यान से, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं. सोचो अगर इधर 11 आ जाता तो, अगर मेरा वैल्यू n प्लस 1 इंटू पी का 11 आ जाता तो 11 हमारा इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है? 11 जो है वो हमारा इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है? इंटीजर है. तो फिर आपके मोड का वैल्यू क्या होता? बाय मॉडल. तो मोड का वैल्यू बाय मॉडल मतलब 11 होता एंड 11 माइनस 1 10. डिड यू ऑल अंडरस्टूड दिस? मोहित, किशन, योगिता, अथर्व, गुनगुन, रविराज, एनी डाउट्स टू एनी वन? अभी किशन पूछ रहे हैं कि सर ये 11 कब होगा? बेटा वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. करेक्ट. हमारा काम है एन और पी को ढूंढना. एन और पी को ढूंढने के बाद किशन हमारा काम बनता है म्यू जीरो को फाइंड करना. ठीक है. अभी म्यू जीरो को जब मैं फाइंड करता हूं, करेक्ट, उस टाइम पर हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यू जो है वो क्या आती है, क्या वो इंटीजर आती है कि वो नॉन इंटीजर आती है. ठीक है. अभी अगर नॉन इंटीजर आ गई तो जो भी वैल्यू आई है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? ठीक है. और अगर इंटीजर आ गई, 11 आ गया, करेक्ट, तब होगा तो क्या? तो हमने पहले क्वेश्चन कंप्लीट किया किशन. करेक्ट. पहले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, हमें आंसर मिला 10. क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी? 10.50. करेक्ट. हाँ वही बता रहा हूँ किशन, थोड़ा सुन लो तो अच्छा रहेगा. करेक्ट. कंप्लीट तो करने दो यार किशन, आप ही का डाउट सॉल्व कर रहा हूं. आप बोल रहे मतलब जब 11 होगा तब क्या होगा? वही तो बताया है बेटा. आप एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं होने देते हो, उसके पहले ही आपका अगला बिट आ जाता है. मैंने वही बताया कि अगर इधर 10.50 नहीं होता, इधर अगर आपको सोचो कि वैल्यू 11 आ जाती, अज्यूम कि अगर आपको वैल्यू 11 आ जाती, अगर वैल्यू 11 आ जाती तो ये इंटीजर है. इंटीजर है तो क्या होगा? आपको दो वैल्यूज मिलेंगे ना, एक 11 और दूसरा 11 माइनस 1. समझा किशन? यस और नो? तो अभी 11 ही क्यों बेटा? ये मैंने एग्जांपल लिया है. करेक्ट. अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, हम तभी ही समझ पाएंगे कि कब क्या करना है. राइट. अभी एक बार मैंने 1 + n × p निकाल दिया. जो आंसर आएगा ना किशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंटीजर जाएंगे कि हम नॉन इंटीजर जाएंगे. करेक्ट. अभी 10.50 आया तो वो नॉन इंटीजर है, तो हमने लार्जेस्ट इंटीजर ले लिया. अगर 10.50 नहीं आता, 10 आता या 11 आता या ऐसा कोई इंटीजर वैल्यू आ जाता, तो फिर मैं सेकेंड बिट को ले लेता. करेक्ट. सो दैट इज हाउ यू नीड टू गो अहेड. ठीक है. So that is what we say it is as unimodal and bimodal. ठीक है. Okay. So मोहित जी को chapter 11 में doubt है. मोहित जी पूछ रहे हैं sir unimodal और bimodal क्या होता है. मोहित, go back to your chapter mean, median and mode.
वहां पर हमने एग्जाम्पल लिए थे, अगर मैं यूनिमोड बोलता हूँ मतलब द ऑब्जर्वेशन विच इज बीन रिपीटेड हायर नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दो वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो हम उसे बाय मॉडल कहते थे। फिर हमने एक और डेफिनेशन पढ़ा था मोहित, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि अभी एक ही चीज की हमने तीन तीन डेफिनेशंस देखी थी, इसके लिए हमने कहा था कि मोड जो है वो यूनिमॉडल हो सकता है, बाय मॉडल हो सकता है, मल्टी मॉडल हो सकता है, जिसके लिए हम उसे कहते हैं इट इज इल डिफाइंड। कुछ याद आया मोहित? मोहित कुछ याद आया बेटा? ऑल दीज थिंग्स आर डन। तो जब मैं किसी आखिरी चैप्टर पर आ रहा हूं, अभी आखिरी चैप्टर है राइट, अगर इस चैप्टर में आप पहली वाली चीजें भूल जाएंगे तो दिक्कत आएगी बेटा आपको, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, ठीक है? याद रखो ये चीजें। और मोहित जब भी ये चीजें आप पूछते हैं ना, अभी जैसे आपने पूछा मैंने बताया, तो अभी है ना आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू याद रखो, नो ट्राई टू रिमेम्बर। सो मोहित बोल रहा है अरे सर प्लीज जो इस चैप्टर में बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोहित मेरे भाई मेरे बंधु, मोड का मीनिंग चेंज नहीं होता, चाहे मैं बाइनोमियल जाऊं पॉइसन जाऊं या कोई भी जाऊं, मोड का मीनिंग वही होता है, बेसिक डेफिनेशंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं डियर। करेक्ट। तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड की बात करें या आप मीन मीडियन मोड की बात करें, मीनिंग वही है, डेफिनेशन वही है, देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड आ गया तो इसका कुछ अलग मीनिंग होगा, मीनिंग रिमेन्स द सेम। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा डिस्क्रीट है, जिसके वजह से वो लोग मोड को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आर यू गेटिंग इट एज एन इंटीजर और नॉन इंटीजर, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटीजर वैल्यू ही लेता है, तो दैट इज द रीजन दे हैव डिवाइडेड इट डियर। तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन चेंज नहीं होते हैं कभी भी। वॉट एवर वी हैव स्टडीड टूडे प्लीज रिमेंबर इट एट इट्स बेस्ट, टूमोरो आफ्टर फ्यू सम्स करेक्ट योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंप्लीटेड एंड वी विल बिगिन विद दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर यू ऑल स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू।